ठीक है। सब पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे हैं, केवल हमें कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। हम आपको एक कहानी के माध्यम से पूरी की पूरी इकोनॉमी समझा देंगे, ठीक है। बस आपको इतना करना होगा कि हमारी क्लास के साथ साथ क्लास में जो टॉपिक चल रहे हैं उनसे संबंधित डाटा और फैक्ट वो तो हम प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन उसमें एडिशन आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो है इसका कॉन्सेप्ट पहले तो बहुत कम था, ठीक है, लेकिन जब पुराने समय में बार्टर सिस्टम की शुरुआत चलती थी, मतलब वस्तुओं के एक वस्तु से दूसरी वस्तु के लिए बार्टर सिस्टम चलता था, कि जैसे कहते थे कि भैया आलू आलू हमारे पास बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, आलू हमारे पास बहुत ज्यादा हो गई है, और फिर वो कहते थे हमारे पास प्याज बहुत ज्यादा हो गई है, फिर दूसरा कहता हमारे पास लहसुन बहुत ज्यादा हो गया है। सबके पास मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें, अपने यूज से अधिक की चीजें होती थी। तो उसमें क्या होता था कि उसमें ये करते थे वो लोग कि अपनी जो एक्सेस वस्तु थी उसको हटा के, मतलब अपनी एक्सेस वस्तु को दे के उनके जरूरत की जो वस्तुएं थी उनको उनसे ले लेते थे। इसको वो कहते थे पुराने समय में बाटल सिस्टम, ठीक है। अब उसी बाटल सिस्टम का मुद्रीकरण हो गया है, ठीक है, मुद्रीकरण हो गया, उसी मुद्रीकरण को अब जो एक्सेसिव यूज करते थे वही एक्सेसिव यूज का काम अब मुद्रा करने लगी, ठीक है। और इकोनॉमी जो होती है इसको दो 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 उसमें बांटे अध्ययन इसका किया जाता है, एक तो माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है, एक मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो पूरा पूरा लिखते चलें, और क्लास में ऐसा कुछ होगा जो हम लिखवाएंगे, और बाकी आपको क्लास अपने आप लिखते रहना है, ठीक है, और जो जरूरी होगा वो तो लिखवाएंगे, बाकी क्लास आप लिखते रहना, ठीक है। और क्लास का हर लेक्चर का हम अपना खुद का नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, अपना खुद का नोट्स, लेकिन पहले आप लोग क्लास को अच्छे से करिए और फिर उसके बाद करिए, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक अगर सूक्ष्म स्तर पे हम समझे, अगर एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है, मतलब आप हो, आप अपनी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना चाहते हो कि हम अपनी मैनेज कैसे, अपना मतलब खर्चा मैनेज कैसे करें, उस खर्चे को मैनेज करने के लिए जो इकोनॉमी डेवलप हुई उसको हम माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। और जो मैक्रो है ये देश स्तर पर, मतलब बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर, इसको व्यक्ति स्तर था, इसको समष्टि स्तर था बोलते हैं, ठीक है। जब बड़े स्तर पर अध्ययन करना होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था का, किसी देश की बैंकिंग सिस्टम का, किसी देश की कुछ उन सब चीजों का, तो उसमें हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी। तो हम लोग शुरू करेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में भारत की अर्थव्यवस्था हम लोगों को पढ़नी, ठीक है। आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराते चलेंगे, ठीक है, आपका फाउंडेशन आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार करें। अर्थव्यवस्था में एक स्लोगन चलता है हमेशा कि पुरानी समस्याओं को खत्म करने के लिए एक नई समस्या अपने आप आ सकती है, मतलब बिना किसी नई समस्या के जन्म के पुरानी समस्या खत्म हो नहीं सकती, ठीक है। इकोनॉमी में ये हमेशा चलता रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने इकोनॉमी को तीन पार्ट में डिवाइड किया है सरकारों के आधार पर तीन प्रकार से डिवाइड किया है। एक तो बता दिया कि भैया ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये समाजवादी है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसके जनक जो थे वो एडम स्मिथ थे। इन्होंने पूंजीवाद को क्या किया, इन्होंने लाभ के सिद्धांत पे पूरी की पूरी इकोनॉमी ही लिख डाली, लाभ के सिद्धांत पे पूरी की पूरी इकोनॉमी ही लिख डाली, और इन्होंने लाभ को सबसे पहला और सबसे अंतिम लक्ष्य बनाया, इकोनॉमी का सबसे पहला और सबसे अंतिम लक्ष्य लाभ को ही बनाया, ठीक है। जब इन्होंने लाभ को बनाया फिर उसके बाद एक इसके पैरेलल चल रही थी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो थी उसके संस्थापक को कार्ल मार्क्स को मान लिया जाता है, वैसे मानना जाए तो, ठीक है, लेकिन जो है ऐसा कुछ है नहीं, उसका संस्थापक कोई है नहीं, ठीक है, वो तो एक पैरेलल इकोनॉमी थी जो चल रही थी पहले से ही,
जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या करती है, सरकार के मतलब इसमें आपको अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा, और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो इसमें आपको अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा, ठीक है, इसमें आपको अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा और आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये मतलब था। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये था कि कुछ संसाधनों पर तो सरकार का नियंत्रण होगा, ठीक है, और कुछ संसाधनों पर, जो कुछ संसाधन है उन पे जो है मतलब निजी क्षेत्र का अधिकार होगा, जैसे जो कल्याणकारी कार्य होंगे उनको सरकार कर देगी, ठीक है, और जो मतलब वैसे काम होंगे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले काम होंगे वो निजी क्षेत्रों के हाथों में होंगे। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ये होता है, समाजवादी में तो ये होता है समाज का पूरा नियंत्रण रहता है, आपकी अपने कार्य क्षमता अनुसार कार्य करिए और फिर अपनी आवश्यकता अनुसार चीजों को लीजिए। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यही सबसे, अपने देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और क्षेत्रों के आधार पर इकोनॉमी को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है, एक तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया और दूसरा द्वितीय क्षेत्र हो गया, एक तृतीय क्षेत्र हो गया। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि संबंधी चीजें होती हैं, जो नेचुरल रिसोर्स है, जो प्राकृतिक रिसोर्स है, उन प्राकृतिक रिसोर्सों से जब हम उनका जो है दोहन करते हैं, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं तो वहां पर प्राकृतिक अर्थव्यवस्था और उसे प्राथमिक अर्थव्यवस्था आती है, प्राथमिक अर्थव्यवस्था को प्राकृतिक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है, जैसे इस प्राथमिक अर्थव्यवस्था में कृषि, आपके कृषि क्षेत्र आ जाएंगे, ठीक है, कृषि क्षेत्र के अलावा जो खनन वाले होते हैं, जब नेचुरल रिसोर्स, जहां भी नेचुरल रिसोर्स का देखो यूटिलाइजेशन किया जा रहा है वहां पे ये कह दो कि प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। और द्वितीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, इसे हम विनिर्माण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद है उनसे पुनर्उत्पाद जब बनाया जाता है तो उनको द्वितीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं। इनमें विनिर्माण सबसे प्रमुख कार्य करता है। जो विनिर्माण होता है, विनिर्माण के अंतर्गत ये अपने जो भौतिक चीजें, जितनी भी भौतिक चीजें हैं इनका जब निर्माण किया जाता है जिस अर्थव्यवस्था में, उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र की, विनिर्माण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब तृतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आ जाती है। तृतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हम सेवाओं का अध्ययन करते हैं। सेवाओं का अध्ययन मतलब जैसे रियल एस्टेट का अध्ययन करना हुआ, ठीक है, रियल एस्टेट का अध्ययन करना हुआ, और फिर बैंकिंग का हुआ, सेवाओं का हुआ, जो सर्विसेज है इनका हुआ। तृतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को और भागों में बांट देते हैं, ठीक है, एक तो चौथी, एक को पांचवी, जो सेवा है सर्विस को, जो सर्विस है सर्विस को हम और दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है, सर्विस क्षेत्र को, एक तो उच्च सर्विस वाले कार्य होते हैं और एक उच्च कौशल वाले कार्य होते हैं, ठीक है। जो उच्च सर्विस वाले कार्य होते हैं इनको जो है, जो उच्च सर्विस वाले कार्य होते हैं इनमें क्या करते हैं कि इनमें जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, कौशल विकास के कार्यक्रम है, इन सबको जो, इन सबका अध्ययन जिस अर्थव्यवस्था में किया जाएगा उस सर्विस क्षेत्र की उस अर्थव्यवस्था में किया जाएगा, ठीक है। और जब अगली अर्थव्यवस्था में आएंगे, ये वाली अर्थव्यवस्था जो सब क्या करें, एक दूसरी वाली, हाँ हाँ ये उच्च कौशल की है, ठीक है, ये उच्च कौशल की है और इनको मतलब उच्च क्षमता विकास कहते हैं। जैसे इनमें क्या होता है, इनको गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है, जो पांचवी अर्थव्यवस्था है इसको गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं, और जो प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी प्राइमरी, उसको रेड कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है, जो पांचवी है ये इसको हम गोल्ड कॉलर जॉब कहेंगे और उसको क्या कहेंगे, रेड कॉलर जॉब। मतलब कृषि क्षेत्र में कोई लगा है, कोई श्रमिक लगा है, अगर उसकी वेजेस को काउंट किया जाएगा, पूछा जाएगा ये कैसा कार्य करता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये रेड कॉलर जॉब करता है। रेड कॉलर जॉब मतलब, रेड कॉलर जॉब मतलब ये प्राइमरी क्षेत्र के कार्यों में कार्य करता है, जैसे कृषि क्षेत्र का कार्य करता है, खनन की खदानों में कार्य करता है, या फिर और कहीं काम करता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है, उसे हम रेड कॉलर जॉब कहेंगे, ठीक है। और जब से जो सबसे उच्च उच्च है उसको हम व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है।
जो सबसे ऊंचे है उसे हम गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं, और जो विनिर्माण में कार्य करते हैं उन्हें हम व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। ठीक है, देखो रेड कॉलर जॉब जो होती है, रेड कॉलर जॉब जो प्राथमिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं, प्राथमिक क्षेत्रों मतलब जैसे कृषि क्षेत्रों में, जैसे गांव में खेती नहीं होती, खेती में जो मजदूर लगते हैं वो उन मजदूरों के कार्यों को हम कहेंगे ये रेड कॉलर जॉब है। ठीक है, रेड कॉलर जॉब है। ठीक है, और जो सबसे उच्च है उसके गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं, उसको गोल्ड कॉलर जॉब, सर्विस सेक्टर की सबसे ऊंची सर्विसों को गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। गोल्ड कॉलर जॉब में ये होता है कि उनमें केवल बौद्धिक चीजों से निर्देश देना होता है, और जब शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कम श्रम किया जाता है तो उसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक है, और विनिर्माण क्षेत्र में दो क्षेत्र हैं, एक व्हाइट कॉलर एक ग्रीन कॉलर। जो व्हाइट कॉलर होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब जो होती है, ठीक है समझ लो, ये द्वितीय क्षेत्र के हैं। द्वितीय क्षेत्र में व्हाइट कॉलर और ग्रीन कॉलर होते हैं। जो ग्रीन कॉलर होते हैं उनकी सर्विसेज जो है विनिर्माण क्षेत्र में फिक्स होती हैं। जैसे विनिर्माण क्षेत्र में हम हैं सैमसंग की कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है सैमसंग की कंपनी में काम कर रहे हैं हम, और सैमसंग की कंपनी में कौशल वाला काम कर रहे हैं, ऐसा वैसा काम नहीं कर रहे हैं, मतलब श्रमिक वाला, थोड़ा सा कौशल वाला काम कर रहे हैं, और सैमसंग कंपनी ने हमें परमानेंट अपना बना लिया, मतलब परमानेंट जॉब हमारी कर दी है, फिक्स हो गई, तो उसे हम कहेंगे व्हाइट कॉलर जॉब। अब एक दूसरा है, अब मैनेजर स्तर पे जो है, ठीक है मैनेजर स्तर पे जो है वो फिक्स, वो तो फिक्स है, ठीक है उसे कंपनी ने जॉब दे रखी है। जब थोड़े से उच्च स्तर पे जाएंगे उसे हम क्या कह देंगे, ग्रीन कॉलर जॉब। ठीक है, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि जो औपचारिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र के जो औपचारिक क्षेत्र, मतलब जो सरकारी, जो परमानेंट रहते हैं, जिनकी जॉब सुरक्षित रहती है, जिनकी जॉब सुरक्षित रहती है उन्हें हम ग्रीन कॉलर जॉब कहेंगे। ठीक है, जिनकी जॉब असुरक्षित रहेगी विनिर्माण क्षेत्रों में उन्हें हम व्हाइट कॉलर जॉब कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा, हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है सरकारों के आधार पर। क्या देखो, एक तो अर्थव्यवस्था को हम तीन क्षेत्र के आधार पर तीन क्षेत्रों में बांटेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में रेड कॉलर जॉब आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में व्हाइट कॉलर और ग्रीन कॉलर जॉब आएंगे, और जो तृतीय क्षेत्र है सर्विस सेक्टर है उसमें गोल्ड कॉलर जॉब आता है, सिल्वर और गोल्ड कॉलर जॉब आता है। ठीक है, अब हम ये पूछते हैं कि राज्यों सरकार के अध्ययन पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में उसमें भी। ठीक है, उसमें भी तीन भाग है, क्या है, पहला कौन सा है, पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित, सबसे लास्ट में। ठीक है, पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। ऐसे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये पूरा का पूरा लाभ के सिद्धांत पे काम करती है, कैसे कैसे लाभ को बढ़ाया जाए, बस इसी पे कार्य करती है। और जो द्वितीय क्षेत्र की दूसरी अर्थव्यवस्था समाजवादी, समाजवादी वो क्या कहती है, वो कहती है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार चीजें हमसे ले लीजिए, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार कार्य करिए, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करिए और अपनी आवश्यकता अनुसार चीजें हमसे ले लीजिए। उदाहरण देते हैं, जो अमेरिका की इकोनॉमी है, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वो पूरी की पूरी लाभ के सिद्धांत से काम करती है, कोई भी काम करेगी तो उसको केवल लाभ से मतलब है। ठीक है, और जो समाजवादी का अगर हम देखें, जो पूर्व सोवियत संघ था, ठीक है पूर्व सोवियत संघ जिसका विघटन 1991 में हो गया, जो पूर्व सोवियत संघ था उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसे थी कि कुछ लोग कहते हैं ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था नाम का कोई कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, कंसेप्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, उसमें क्या होता था कि सोवियत संघ का विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा कि वहां की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि
लोग अपनी क्षमता अनुसार कार्य करते थे, उनकी आवश्यकता अनुसार चीजें उनकी प्रोवाइड कराई। हुआ क्या, 1991 में ये हुआ कि वहां पे ब्रेड के, तो ब्रेड के वो होते हैं जो हम लोग ब्रेड मंगाते हैं, ब्रेड और रोटी खाते हैं, तो पाव रोटी के लिए वहां पे लंबी लंबी कतारें लगने लगी। तो जब लंबी लंबी किसी देश में जनता को असुविधा होगी तो वो जनता क्रांति करेगी। जनता ने क्रांति की और सोवियत संघ जो है 15 टुकड़ों में बट गया। ठीक है, हमने दो प्रकार की अर्थव्यवस्था पढ़ ली। पहली प्रकार की कौन सी, राज्य राज्य एवं सरकार के आधार पर 3 प्रकार की, और दूसरी क्षेत्र के आधार पर 3 प्रकार की। ठीक है, और तीसरी अर्थव्यवस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके व्यापार के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तीसरा डिवीजन जो किया जाता है उसमें एक कहा जाता है ये ओपन इकोनॉमी है, एक दूसरी होती है क्लोज इकोनॉमी। एक खुली अर्थव्यवस्था होगी, दूसरी बंद अर्थव्यवस्था होगी। जो खुली अर्थव्यवस्था होगी, खुली अर्थव्यवस्था में ये होगा कि वहां पे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आके वहां के नियमों और प्रोविजन के हिसाब से अपना व्यापार कर सकती है। ठीक है, और जो बंद अर्थव्यवस्था होगी वो अपने देश के संसाधनों का, केवल अपने देश के संसाधनों का उच्चतम उपयोग करके बाहर से उतना मतलब नहीं रखेगी। ठीक है, बाहर की एमएनसी को बहुत कम जो है छूट प्रदान करेगी। वैश्वीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इस ग्लोबलाइजेशन में जो बंद अर्थव्यवस्थाएं हैं अपने यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को बहुत कम प्रेफर करती हैं, अपने यहाँ पे वैश्वीकरण होने ही नहीं देती, उसके प्रभावों से दूर रहने का प्रयास करती हैं। जो चाइना का अर्थव्यवस्था है, जो चाइना की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके सिविल सर्विस एग्जाम में, जो प्राइमरी सेक्टर हो इससे भी सवाल आए हैं, द्वितीय सेक्टर मतलब क्षेत्रों के आधार पर भी सवाल आए हैं, और सरकारों की अर्थव्यवस्था के आधार पर भी सवाल आए हैं, और खुली और बंद अर्थव्यवस्था के। अभी तो 2 साल पहले ही बंद अर्थव्यवस्था से सवाल पूछा गया कि चीन की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, बस चीन की अर्थव्यवस्था बंद इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी ऐसे है कि वो हमेशा मतलब प्रोएक्टिव होकर कार्य करती है, उसकी जो डिप्लोमेसी है, जो उसकी जो कूटनीति है वो चेकबुक डिप्लोमेसी है। ठीक है, वो चेकबुक डिप्लोमेसी काम करती, मतलब उसके यहाँ से कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं आएगी, वो सबके यहाँ जाके काम करेगी। ठीक है, वो वैश्विक, जब कोई अर्थव्यवस्था अपने यहाँ पे वैश्वीकरण के प्रभावों को कम करना चाहती है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। और जब वैश्वीकरण का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए कैसे भी आके यहाँ पे व्यापार कर ले, यहाँ पे अर्थव्यवस्था में योगदान दे दे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। जैसे अपनी अपने भारत की इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था है, रशिया की इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चाइना एक ऐसा देश है जहाँ की अर्थव्यवस्था बंद इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। सवाल आते हैं तो केवल इसी पे आते हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था कैसी इकोनॉमी। ठीक है, तो आज हम अपना शुरू करते हैं, ये तो है इकोनॉमी के परिचय। ये तो जो हमने पढ़ा है ये सारी चीजें तो अर्थव्यवस्था के परिचय से संबंधित। ठीक है, अर्थव्यवस्था है क्या, उसके क्षेत्र क्या है, अब उसके उपयोग जान लेते हैं। उपयोग ये जान लेते हैं कि अपने जीवन का और अपने देश का और सबका प्रबंधन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर हम एक लाइन में अर्थव्यवस्था को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, एक लाइन में सब लोग अगर मिलके अर्थव्यवस्था को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, एक लाइन में अगर हम अर्थव्यवस्था को डिफाइन करना चाहें तो कहेंगे अपने सीमित संसाधनों का, अपने सीमित संसाधनों का जब हम उच्चतम उपयोग करते हैं, सीमित संसाधनों का जब हम उच्चतम उपयोग करते हैं, अपने सीमित संसाधनों का जब हम उच्चतम उपयोग करते हैं और उससे अपने जीवन में पूंजी निर्माण को आगे बढ़ाते हैं, उससे अपने जीवन में पूंजी निर्माण को आगे बढ़ाते हैं, यही अर्थव्यवस्था है। ठीक है,
मतलब अर्थव्यवस्था का रूल ही है, कोई भी पुरानी प्रॉब्लम का समाधान बिना किसी नई समस्या के नहीं हो सकता। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था की कहानी शुरू करते हैं। कहानी के माध्यम से पूरी पूरी अर्थव्यवस्था समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, और कॉन्सेप्ट प्लस सारी चीजें हो जाएंगी। वैसे भी आज हमें पता नहीं था कि हमारी क्लास लगने वाली है। ठीक है, और बिना किसी प्रिपरेशन के आया हूँ, तो कल से अच्छे से भी हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी अर्थव्यवस्था आज से। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे मूलभूत सिद्धांत है कि उस अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक है, उत्पादन ही पूरी की पूरी किसी भी देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार अगर पूछे तो क्या है, प्रोडक्शन। बिना प्रोडक्शन के किसी भी देश में ना गरीबी दूर की जा सकती है, ना उसकी ग्रोथ रेट बढ़ाई जा सकती है, ना उसकी राष्ट्रीय आय बढ़ाई जा सकती है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे उत्पादन ही अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का मतलब की बिंदु, मतलब कुंजी, एक मास्टर कुंजी अगर हम कहें अर्थव्यवस्था की, तो प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन ही अर्थव्यवस्था की सबसे मूलभूत कुंजी है। प्रोडक्शन किन चीजों का हो सकता है? प्रोडक्शन दो चीजों का हो सकता है। उत्पादन जो होगा वो दो चीजों का हो सकता है। पहला, या तो सेवाओं का उत्पादन होगा, ठीक है, या तो सेवाओं का उत्पादन होगा या फिर वस्तु का उत्पादन होगा। ठीक है, उत्पादन की अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के साधनों से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। कोई इंग्लिश मीडियम का तो नहीं है ना, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के साधनों की सहायता से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो उत्पादन के साधन सबसे इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो फंडा है इन्हीं पे निर्भर है, उत्पादन के साधन किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने में किन किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन करना है हमें, किसी भी चीज का उत्पादन करना है, तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, आपने उसका एक साधन ही बता दिया, पूंजी भी बता दिया आपने, ठीक है, लैंड भी बता दिया आपने, और जो सबको मैनेज करता है एक वो होता है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है हमारा लैंड, भूमि। किसी भी चीज का अगर हमें उत्पादन करना हो तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर जगह चाहिए कहाँ पे उस चीज का उत्पादन हो सकता है। ठीक है, और दूसरा है लेबर। ठीक है, पूरी की पूरी इकोनॉमी इसी प्रोडक्शन पे ही बेस है, इसी प्रोडक्शन पे हम पूरी की पूरी इकोनॉमी आपको समझाएंगे। ठीक है, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, तीसरा है कैपिटल। जैसा कि तीनों तो इन्होंने ही बता दिया था। ठीक है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं पे निर्भर है। हाँ, कैपिटल, मनी, मनी को धन कहते हैं, धन धन।
जो पूंजी होती है, धन जो होता है, वो आगे अभी सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके मतलब क्लियर हो जाएंगे। धन क्या है, पूंजी क्या है, ठीक है, आपका राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, सारी की चीजें आगे के जो मतलब 14-15 क्लासें होंगी, 14-15 क्लासों में आपका इकोनॉमी का बेस एकदम तैयार होगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। और इकोनॉमी अपने आप से पढ़ने में सब लोग एकदम सक्षम हो जाओगे, चाहे कोई पढ़ाए आपको चाहे ना पढ़ाए, इकोनॉमी आप अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। तीसरी चीज है कैपिटल। अब तीन चीजें तो हो गई, लैंड हो गई जहां पे हमें प्रोडक्शन करना है, दूसरी हो गई लेबर, लेबर श्रम हो गया, मतलब उसमें तो कुछ मजदूर काम करेंगे ही, ठीक है, मजदूर काम करेंगे, उसमें कुछ मेहनत की जाएगी, तभी तो किसी चीज का उत्पादन हो सकता है। तीसरी है कैपिटल, सबसे की फैक्टर यही है कि कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, बिना पूंजी के किसी चीज का हो नहीं सकता। अब इन तीन चीजों को मैनेज करने के लिए एक चौथा होता है, कौन, एंटरप्रेन्योर। उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी होता है, ठीक है। उद्यमी क्या करता है, इन सब चीजों को एक जगह पे लाकर प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करवाता है, ठीक है। अब जो भैया भूमि है, जो भूमि है इस पे तो क्या करेगा, जिस जो लैंड मालिक है, जो मकान का मालिक है, जो भूमि का मालिक है, वैसे तो अपने जमीन पे उत्पादन करने के लिए दे नहीं देगा, कहेगा हमें इसके बदले में कुछ चाहिए, रेंट चाहिए, भाड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, या फिर आप एग्रीमेंट करवा लो। तो भूमि के लिए जो पे किया जाता है वो क्या होता है, रेंट, किराया, या भूमि, कोई भी मकान मालिक किस चीज का उत्पादन करता है, किराए का, पैसे का भी उत्पादन करता है। अब जब लेबर जो है इसको चाहिए मजदूरी, जो लेबर है इसको चाहिए मजदूरी, लेबर को चाहिए मजदूरी। और जो तीसरा है कैपिटल, जो पूंजी लगाता है, जब पूंजी कोई करता है तो इसको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, हमें ब्याज चाहिए भैया, बिना ब्याज के हम आपको पूंजी नहीं देंगे, नहीं तो मतलब ये हो जाए अनुदान हो जाए, अनुदान हो गया तो प्रोडक्शन, जहां पे अनुदान आया वहां पे प्रोडक्शन का काम बंद हुआ। अगर कहीं से अनुदान आया वहां पे उत्पादन का काम बंद हो जाता है, वहां पे ना राष्ट्रीय आय का उत्पादन होगा, किसी चीज का उत्पादन नहीं होगा। अगर अनुदान आ गया, अनुदान जो ग्रांट होते हैं, ग्रांट दिए जाते हैं, मतलब लाइबिलिटी कोई नहीं होती, आपको पैसे दे दीजिए अपने मन से खर्च कर दो, उसे कहेंगे अनुदान। अगर उसके बदले में आपको कुछ करना पड़ रहा है तो वह अनुदान नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और जो चौथा है एंटरप्रेन्योर जो है, जो उद्यमी है, उद्यमी को क्या चाहिए, उद्यमी कहेगा भैया तुमको तो किराया मिल गया, तुमने भूमि दी, तुम्हें किराया मिल गया, और लेबर कहेगा, उद्यमी लेबर से कहेगा कि तुमने श्रम किया, तुम्हारे उसके बदले मजदूरी मिल गई, मतलब तुमको अपना पैसा अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर ले रहे हो। और तीसरा है कैपिटल, कैपिटल जब पूंजी कोई लगाएगा तो उसको ब्याज मिल गया, भैया तुम प्रोडक्शन करो या ना करो उससे हमें क्या, चेक करो हमें, हम ब्याज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो उसका सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जो चौथा है यही पूरे देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करता है, जो चौथा एंटरप्रेन्योर जो है, उद्यमी जो है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण यही करता है। हाँ सबसे अच्छी बात, गुड, बहुत सही, ये चाहिए प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट के लिए ही ये, इसने ये सारी चीजें एक एक जगह पे ऑर्गेनाइज की है, इसने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसने प्रॉफिट के लिए सारी की सारी चीजें एक जगह पे ऑर्गेनाइज की है। अब उसको प्रॉफिट चाहिए, अगर किसी भी देश में प्रॉफिट का डिवीजन, अगर प्रॉफिट है अधिशेष मिल रहा है इसको, इसने मतलब श्रम जो किया, इसने मान लो एक पेन का उत्पादन, इसी पेन का उत्पादन मान लो, ठीक है, इससे क्या हुआ, 2 रुपए लगा, 2 रुपए रेंट देना है, किराया देना है,
और 2 रुपए मजदूरी लग रही है और 2 ही रुपए जो इससे पूंजी लगी है उससे ब्याज लग रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता कि ये कहे हमें 2 रुपए से कम चाहिए, जब सबको 2 रुपए हो रहा है तो मुझे भी 2 रुपए चाहिए। तो इसने क्या की, 2 रुपए। अब यहाँ तक की जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं 2 रुपए, इसको तो वो कर रहा है, लैंड भूमि ले रहा है, इसको किराया मिल रहा है 2 रुपए, श्रम कर रहा है इसको मजदूरी मिल रही है, कैपिटल है इसको ब्याज मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर है इसको प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है, कुछ विचार किया क्यों? कहीं पे भी देखो बिना रिस्क के ये इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करके रिस्क ले रहा है, एक प्रकार का रिस्क ले रहा है। इकोनॉमी में एक फंडा है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा लाभ या उतनी बड़ी हानि, ठीक है। इकोनॉमी में एक फंडा है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा लाभ या उतनी बड़ी हानि, ठीक है। तो ये रिस्क लेता है, ये सबको एक जगह पे इकट्ठा करता है। अब तो पेन का निर्माण हो गया, अब लिखने वाले होंगे नहीं तो उसकी बिक्री होगी नहीं, वो तो चला गया घाटे में, वो तो चला गया घाटे में ना। तो ये जो चीजें हैं, ये चारों चीजें, ये जो किराया है, ये जो मजदूरी है, जो ब्याज है, ये प्रॉफिट, ये सब चीजें हैं उत्पादन के साधनों की। जब इन साधनों का जब योग कर दिया जाता है, जब उत्पादन के साधनों का, यहाँ से आपकी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब उत्पादन के साधनों का योग कर दिया जाता है, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के साधनों का जब योग कर दिया जाता है, तब क्या हो जाता है, ये बन जाती है अपनी साधन लागत। अब कोई अगर आपसे पूछे इकोनॉमी में साधन लागत है क्या, ना मतलब कॉस्ट वैल्यू है क्या, ठीक है, कॉस्ट वैल्यू कैसे किसे कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, जब उत्पादन के साधनों को बाजार में आने से पूर्व, अगर ये बाजार में आ गया तब तो इसके जो मार्केट प्राइस हो जाएगा आगे, ठीक है। तो उत्पादन के साधनों पर बाजार में आने से पूर्व जितनी भी लागत होती है उसे क्या कहते हैं, साधन लागत कहेंगे, साधन लागत। ये इकोनॉमी का आपका पहला कॉन्सेप्ट हुआ, क्या, साधन लागत, साधन लागत, कॉस्ट, कॉस्ट वैल्यू जो हो गई हमारी 8 रुपए, कितनी हो गई 8 रुपए, साधन लागत हो गई हमारी 8 रुपए। अब ये यहाँ से कंपनी में बनकर तैयार हो गई, इससे मतलब उत्पादन के साधनों में किराया भी हो गया, लेबर भी हो गया, कैपिटल भी हो गया, एंटरप्रेन्योर ने अपने लाभ को भी इसमें ऐड कर दिया। अब क्या करेगा ये, अब इस पे एमआरपी नहीं लिखेगा 8 रुपए, ये तो इसकी साधन लागत है, ठीक है। अब ये चीजें आएंगी मार्केट में, मार्केट में आएंगी तो इस पे सरकार क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी, टैक्स लगाएगी, ठीक है। जब इस पे सरकार क्या लगाएगी, टैक्स, मान लो सरकार ने टैक्स कितना लगाया, 2 रुपए, ठीक है। अब 2 रुपए टैक्स सरकार ने लगा दिया, अब 2 रुपए सरकार ने टैक्स लगाया तो क्या करेगी कंपनी, अब इसे बाजार में उतारेगी, तो बाजार में उतरने के लिए तैयार है, ठीक है। अब पुल कितना होगा, ये एमआरपी लिख देगी 10 रुपए, ठीक है, एमआरपी लिख देगी कितना, 10 रुपए। ये जो सरकारें होती हैं, जो टैक्स लेती हैं, टैक्स का डिवीजन तो भारत में हो जाता है, टैक्स का हम लोग, कोई भी कंपनी टैक्स पे करती है तो हम सब में उसका डिवीजन हो जाता है, ठीक है, किसी न किसी रूप में हो जाता है। लेकिन जो ये 2 रुपए कमा रहा है, हम चाहते हैं कि ये 2 रुपए ये ले ही ना, क्यों ना ले भैया, ये सारी चीजें तो इसने की, तो इसको भी तो लॉस चाहिए। तो क्या कर रहे हैं आजकल के उद्यमी, ये कर रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट है इसका जो अंश है इसको बढ़ा दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। जब इस प्रॉफिट के अंश को बढ़ा दे रहे हैं तो साधन लागत बढ़ जा रही है, जब साधन लागत बढ़ जाएगी
अर्थव्यवस्था का रेगुलेशन सही तरीके से नहीं होगा, जब साधन लागत अगर बढ़ जाएगी, तो साधन लागत बढ़ जाएगी तो पैसे के मतलब वस्तु का, किसी भी तैयार माल का दाम अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। जब किसी तैयार माल का दाम बढ़ जाएगा तो महंगाई आनी स्वाभाविक है। इसीलिए सरकारें जो है कुछ नियम और कानून लाकर इस पे नियंत्रण रखती है कि लाभ को मिनिमाइज किया जाए, ठीक है। यहाँ के हाँ प्रॉफिट हाँ, 8 रुपए से 2 रुपए टैक्स लगे तो ये होगी आपकी मार्केट प्राइस, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, बाजार मूल्य कहेंगे। बाजार में बिकने के लिए तैयार है। कुछ कंपनियां होती हैं ईमानदार होती हैं, वो क्या करेंगी, इसी बाजार मूल्य को ही अपनी एमआरपी बना देती है। वो कहती है कि हम फिक्स प्राइस पे बेचेंगे। और कुछ कंपनियां होती हैं किसी को बढ़ा के लिख देती हैं एमआरपी में, ठीक है। वैसे मार्केट प्राइस जो होता है वही एमआरपी होता है, लेकिन कुछ कंपनियां जब इनलीगल मतलब अनैतिक गतिविधियां करती हैं तो ये एमआरपी जो है ये बढ़ा देती हैं। सबसे ज्यादा जो अनैतिक गतिविधियां होती हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में होती हैं, जो दवाई की कंपनियां होती हैं। हाँ बस वही है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां वो जो है एमआरपी को बढ़ा देती हैं, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ लिया, कॉस्ट प्राइस पढ़ ली, प्रोडक्शन क्या होता है ये पढ़ लिया, प्रोडक्शन के साधन क्या क्या है ये पढ़ लिया, ठीक है। अब साधन लागत क्या होती है ये पढ़ लिया, मार्केट प्राइस क्या होती है, बाजार मूल्य, जब साधन लागत के मूल्य में सरकार का टैक्स ऐड किया जाता है तो वो बन जाती है मार्केट प्राइस, साधन लागत से बन जाती है बाजार मूल्य, ठीक है। बाजार मूल्य बन जाती है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे या फिर अब ये तो हो गए उत्पादन, ठीक है। किसी भी देश में प्रोडक्शन ही वह चीज है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। ये प्रॉफिट या एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट क्यों चाहिए, ये सारी चीजों तीनों चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। रिस्क ले रहा है, ठीक है। इकोनॉमी का सबसे बड़ा फंडा है, जहां पे जितना रिस्क वहां पे उतना लाभ, तो वो रिस्क का अपने जो रिस्क है रिस्क के बदले में 2 रुपए लेता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, ये प्रॉफिट है। हम ये कह रहे थे कि अगर ये कहे कि इनको 2 रुपए दे रहे हैं, इनको 2 रुपए, इनको 2 रुपए, हम 2 रुपए नहीं 5 रुपए लेंगे, तो साधन लागत अपने आप बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। वही हम कह रहे थे कि अनैतिक गतिविधियां यहाँ से और मार्केट प्राइस यहाँ से शुरू हो जाती है। मार्केट प्राइस जब साधन लागत बढ़ेगी तो टैक्स जुड़ेगा, जितना साधन लागत बढ़ेगी उसमें टैक्स जुड़ेगा उतने मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी, मार्केट वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी जितना टैक्स बढ़ेगा। और साधन लागत आपकी इन 4 साधनों से जो पैसा प्राप्त होगा वही आपकी हो जाएगी साधन लागत, ठीक है। यह हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट किसका, प्रोडक्शन का, उत्पादन का। अब भैया अपने देश में उत्पादन तो हो गया, अब उत्पादन हो गया, अब उसको कोई खरीदने वाला है नहीं, ठीक है। खरीदने वाला वो क्या करेगा, वो सारी चीजें डंप हो जाएंगी, ठीक है, डंप हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इसके लिए इकोनॉमी में 2 कॉन्सेप्ट और है, एक मांग, दूसरी है पूर्ति, ठीक है। एक है डिमांड, दूसरी है सप्लाई, ठीक है। डिमांड कौन जनरेट करेगा, डिमांड हम लोग जनरेट करेंगे, मतलब मांग हम लोग करेंगे, सप्लाई कौन करेगी,
कंपनी, ठीक है। अब इसी डिमांड सप्लाई पे और उसी प्रोडक्शन पे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। डिमांड अगर कम हुई, सप्लाई भी अगर, मतलब अब डिमांड सप्लाई का संबंध हम आप लोग समझा देते हैं। मान लो मांग बहुत ज्यादा है, मांग बहुत ज्यादा है और पूर्ति उसकी कम है, ठीक है। पूर्ति उसकी कम है तो वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। अब मान लो उत्पादन मांग है, हमें 10 मतलब 10 जूतों की आवश्यकता है, पूरे बाजार में 10 जूतों की आवश्यकता है और यहाँ पे है केवल 9, सबको जरूरत है। सब कहेंगे कि भैया 10 जूते हैं, 9 ही जूते हैं, खरीद लो, कुछ भी पैसा दे के खरीद लो, कुछ भी पैसा दे के खरीद लो। मतलब अगर मांग बढ़ रही है, पूर्ति कम हो रही है तो वस्तु के दाम क्या होंगे, वस्तु के दाम क्या होंगे, वस्तु के दाम क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब ये 10 थी, ये 9 थी। अब मान लो दूसरी कंडीशन हो गई, ये 10 हो गई और ये 9 हो गई। 9 लोग मांग करने वाले हैं, बाजार में 10 चीजें अवेलेबल हैं, तो क्या होगा, इकोनॉमी का सबसे बड़ा फंडा, मांग बढ़ेगी और पूर्ति कम होगी तो दाम बढ़ेंगे, और मांग कम होगी अगर पूर्ति बढ़ जाएगी तो दाम कम हो जाएंगे, ठीक है। ये मांग और पूर्ति का पूरा नियम है। अब मान लो 10 ये भी है, इस ईयर का 10 ये भी है, अब क्या होगा, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं इकोनॉमी की संतृप्त अवस्था, इसे बोलेंगे इकोनॉमी की संतृप्त अवस्था, सैचुरेटेड स्टेट बोलेंगे इसे, इकोनॉमी की सैचुरेटेड स्टेट बोलेंगे, कि जितनी इकोनॉमी में मांग है उतनी इकोनॉमी में पूर्ति भी है, ठीक है। जब दोनों चीजें बराबर होंगी तो वस्तुएं उसी दाम पे बिकेंगी जिस दाम पे या तो कंपनी ने निर्धारण किया होगा या फिर एंटरप्रेन्योर ने साधन लागत पे ही किया होगा, जितने पे किया होगा उतने पे भी संतृप्त अवस्था हो जाएगी, ठीक है। यही मांग और इस कंडीशन में प्राइस आप वही देंगे ना, इसमें दुकानदार को इंटरेस्ट है अपना सामान बेचने में ना, जो है मतलब जितना इंटरेस्ट दुकानदार को अपना सामान बेचने में है उतना इंटरेस्ट जो ग्राहक है उसे खरीदने में है। अब जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, अब 10 चीज 10 टॉफी है मान लो यहाँ पे रख दी जाए, 10 टॉफी ले ली जाए, रख दी जाए, तो आपके कहा जाए कि आओ एक एक ले लो, सब अपनी अपनी एक एक ले लोगे और ना किसी को कम होगी ना किसी के पास ज्यादा होगी, तो कोई मतलब कयास की स्थिति क्लास में नहीं होगी। और वही मान लो 9 टॉफी रख दे तो कोई सोचेगा एक तो नहीं पाएगा, एक तो नहीं पाएगा, वही एक को पीछे के करने के चक्कर में सब लोग प्रतिस्पर्धा में लग जाएंगे, हमें मिल जाए उसको ना मिले। इसी वजह से वस्तु के दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और इसके अपोजिट अवस्था होती है तो वस्तु के दाम घट जाते हैं। ये हो गई हमारी मांग और पूर्ति। एक होती है रिकॉर्डर ने एक नियम दिया है, वैसे तो इतना रिलेवेंट है नहीं लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। रिकॉर्डर ने एक नियम दिया है सीमांत उपयोगिता का नियम, एनसीईआरटी में सीमांत उपयोगिता का नियम, मतलब किसी व्यक्ति की चाहत कैसी होती है, किसी वस्तु के प्रति आकर्षण उसका कैसा होता है। मान लो जैसे हम भूखे हैं, अब भूखे हमें तो क्या होगा कि जब हम पहली रोटी खाएंगे, भूखे हैं हम पहली रोटी खाएंगे तो हमें जो मिलेगा, जो उसके बदले में जो हमें संतुष्टि का स्तर होगा हमारा, वो पूरा का पूरा 10 का होगा पहली रोटी जब हम खाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार जब हम दूसरी रोटी खाएंगे तो कम होता धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। एक स्तर ऐसा आएगा
उसके बाद इच्छा ही नहीं होगी खाने की, ना खाने की इच्छा होगी ना संतुष्टि की इच्छा होगी, ना ये चाहत होगी कि उस वस्तु को हम प्राप्त कर लें, ना ये चाहत होगी कि ये वस्तु हमें मिल जाए या फिर ये इस वस्तु से हमें कुछ मतलब आनंद या कुछ मिल जाए। तो इसे डेविड रिकार्डो का सीमांत उपयोगिता का नियम उन्होंने ही दिया था, गरीबी के दुष्चक्र का नियम। ठीक है, ये जो नियम है आत्मसंतुष्टि वाला नियम है, यह हमारी मांग पूर्ति पे कैसे काम करता है? ऐसे काम करता है कि बाजार में कोई नई नई वस्तु बन के आई, मान लो नया नया मोबाइल फोन बन के आया। अब 5G का फोन लॉन्च होने वाला है, 5G का फोन आने वाला है बाजार में। अब क्या होगा कि कुछ जो बच्चे होते हैं, कुछ जो मतलब पैसे वाले होते हैं, रईस घरों के बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्रेज होता है, पहला मोबाइल आएगा तो हम ही खरीदेंगे। ठीक है, पहला मोबाइल आएगा तो हम ही खरीदेंगे, और मतलब दूसरा आएगा तो कोई और खरीदेगा। हो सकता है कि हम अपने अंदर प्रदर्शन अपने यहाँ प्रदर्शनी लगा दें कि हर यूनिक चीज पहली हमारे अंदर ही, हमारे यहाँ ही होगी। तो इकोनॉमी में ये होता है, इसे हम बोलते हैं मतलब सीमांत प्रभाव। इसे क्या बोलते हैं? सीमांत प्रभाव बोलेंगे। ये जो प्रभाव होता है ये इकोनॉमी पे हमेशा इफेक्ट करता है। अब मान लो 4G का फोन हो गया, अब 4G के फोन तो आते रहे हैं, अब ना किसी का इच्छा होती है इसका रैम कितना है, रोम कितना है, छोड़ो जाने दो। पहले जब नया नया आया था इसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी है, कितनी कैसे, मतलब इच्छाएं अब चरम पे होती है। धीरे धीरे उन इच्छाओं का जैसे 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 मतलब इच्छाएं आती हैं, तो मतलब इच्छाओं का रूप बदलता जाता है। तो इसे जो है सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं या प्रभाव का नियम कहते हैं। ठीक है, ये आगे हम आपको इसका उपयोग बताएंगे, जब बताएंगे हम आपको गरीबी का दुष्चक्र, जब बताएंगे प्रोडक्शन में ही, जब प्रोडक्शन में नेशनल अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखो आज पहली क्लास है तो हम अपनी स्पीड बढ़ा भी दे रहे हैं, घटा भी दे रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन किसका कितना स्तर है। ठीक है, अब जब कल से क्लास होगी तो हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि किसका कितना स्तर है, कितना किसका स्तर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा तेज आज हो जा रहा है या फिर थोड़े से स्लो हो जा रहे हैं, तो उस पर वो ध्यान ना दीजिए, कल से ये सारी चीजें सही रहेगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो स्लो हम करेंगे नहीं, 15 दिन में आपकी इकोनॉमी खत्म कर देंगे। ठीक है, 15 दिन में आपकी इकोनॉमी हम खत्म कर देंगे बेसिक लेवल पे पूरा। उसके बाद आपको केवल बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने होंगे, उसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना होगा। ठीक, और सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इसी तरह कहानी के माध्यम से बैठते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आपकी नेशनल इनकम हो, चाहे आपके पूंजीगत व्यय हो, चाहे आपके राजस्व व्यय हो, चाहे आपके विदेशी मुद्रा भंडार हो, चाहे आपका रिजर्व बैंक के कार्य करने का सिस्टम हो, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट का तरीका हो, चाहे कुछ हो, इसी प्रोडक्शन और मांग पूर्ति से पूरी की पूरी इकोनॉमी की क्लास रहेगी। ठीक है, कहानी के थ्रू ही पूरी पूरी इकोनॉमी समझेंगे हम। ठीक है, और बाकी सारी चीजें थोड़े से होमवर्क हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, होमवर्क देते रहेंगे, जैसे डाटा ऑफ फैक्ट, जो आंकड़े होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, हम तो अवधारणाएं अच्छे से समझा देंगे, अगर हम अवधारणाएं भी समझाएं और फैक्ट भी लिखाएं तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि हम आपकी अवधारणाएं अच्छे से मजबूत कर दें। इकोनॉमी के जो सवाल आते हैं या तो अवधारणाएं से आएंगे या फिर बजट इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों से आएंगे, दो ही चीजों से हमेशा आते हैं। ठीक है, इसलिए अवधारणाएं तो आप लोग निश्चिंत हो जाए और हर अवधारणा आप लोग समझ जाएंगे। जैसे आपने साधन लागत समझ ली, साधन लागत आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कि नहीं, बताइए साधन लागत क्या है, बता दें, बताए। ठीक है ठीक है, आप क्लास को पढ़ा सकते हो लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। हम ये कह रहे हैं साधन लागत को लिख लो आप लोग, बाजार में आने से पूर्व लिखो, किसी भी वस्तु के बाजार में आने से पूर्व
किसी भी वस्तु के बाजार में आने से पूर्व उनके ऊपर खर्च संसाधनों पे जो लागत आती है उसे हम साधन लागत कहते हैं। बाजार में आने से पूर्व उनके ऊपर खर्च संसाधनों संसाधनों पर जो लागत आती है उसे हम साधन लागत कहते हैं। अभी हमने पढ़ा मांग और पूर्ति ना, ठीक है। जो मांग होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए फ्यूल का काम करती है, मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है उसमें ईंधन का काम करती है मांग। किसी भी देश में कितनी मांग है, ठीक है। वैसे तो हम कहें कि मांग जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का फ्यूल का काम करती है, ठीक है। मांग बढ़ेगी कैसे, अगर मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ने के लिए अगर मांग है तो मांग करने के लिए लोगों के पास पैसे भी होने चाहिए। लोगों के पास पैसे भी तो होने चाहिए तभी तो मांग करेंगे वो। अगर उनके पास पैसे ही नहीं है तो आदमी है, जरूरत है उनको, उनके पास पैसे ही नहीं है। जब पैसे ही नहीं है तो मांग कहाँ से करेंगे, ठीक है। मांग अगर नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ के क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ के माल अंदर ही रखा रहेगा, अर्थव्यवस्था ठप रहेगी, देश में जो है मतलब मंदी रिसेशन छाया रहेगा अगर मांग नहीं रहे। इसीलिए कहा गया है कि इकोनॉमी में जो मांग जो होती है वो किसी भी देश के लिए फ्यूल का काम करती है, ईंधन का काम करती है। मतलब उस किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर चलाना है तो वहाँ पे मांग होनी आवश्यक है। अगर मांग करना है लोगों को उसके लिए लोगों के पास पैसा होना आवश्यक है। अब पैसा क्या करेगी सरकार, क्या करे, मांग बढ़ाने के लिए देश में पैसे ही बांट दे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देश की इकोनॉमी एकदम कोलैप्स हो जाएगी अगर सबको बांट दे। सरकार पैसे उतने ही छापती है जितना देश में प्रोडक्शन होता है, जितना देश में प्रोडक्शन होगा उसी हिसाब से पैसा छापेगी, नहीं तो देश में मतलब कयास की स्थिति हो जाएगी। देश में जो है मांग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, जो विदेशों की मुद्रा का जो मूल्य है वो घटना शुरू हो जाएगा। ऐसे तो होगा नहीं, किसी भी देश में मांग बढ़ने, अब आपके पास मान लो पैसे नहीं है तो मांग कैसे जनरेट करोगे। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए भी तो पैसे चाहिए, पैसे तो होने चाहिए ना, बिना पैसे के मांग तो क्रिकेट हो नहीं सकती। मान लो हम ही है। नया नया आईफोन 13 आया है, ठीक है। अब हम मांग कर रहे हैं हमें आईफोन 13 चाहिए। तो अब ये होगा कि पैसे भी तो होने चाहिए मेरे पास, बिना पैसे के हम मांग कैसे जनरेट कर पाएंगे बताओ। तो इस वजह से किसी भी देश के लिए मांग तो फ्यूल का काम करती है, ठीक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए फ्यूल का काम तो करती है, लेकिन उस मांग को मतलब मांग के लिए पैसे होने चाहिए, और उस पैसे को अगर सरकार ऐसे ही सब में बांट दे तो देश में तरलता, पैसों की तरलता बहुत ज्यादा हो सकती। अब मान लो आईफोन बन के आया एक, सरकार ने क्या किया, एक आईफोन का पैसा सबके खाते में भेज दिया, सबके खाते में एक आईफोन का पैसा भेज दिया। अब सब लोग क्या करेंगे, सब लोग दुकान में पहुंच जाएंगे, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। और फिर जो एक आईफोन जो 53,000 का मिलता, मान लो सबके खाते में 53,000 भेज दिए गए, तो वो एक फोन बिक सकता है कितने का,
53,000 गुणे 125 करोड़, इतने का बिक सकता है एक आईफोन। और फिर हो सकता है कि उस एक आईफोन के लिए और भी पैसे देने पड़ जाएं, आपके अन्य खर्चे भी उसमें लगाने पड़ जाएं, ठीक है। इसलिए किसी भी देश में प्रोडक्शन, एक उत्पादन और दूसरी मांग, दोनों ही चीजें इकोनॉमी की डिसाइड फैक्टर होती है। जो मांग होती है किसी भी देश से, ईंधन का काम तो करती है, लेकिन मांग के लिए देश में लोगों के पास पैसा होना आवश्यक है। ऐसे तो सरकार पैसे बांट नहीं सकती। हम बताएंगे आपको कि पैसे सरकार उतने ही छापती है, कोई भी सरकार देश में पैसे उतने ही छापती है जितने ही उसके देश में प्रोडक्शन होता है, जितना उसके देश में प्रोडक्शन होगा। मान लो हमारे देश में प्रोडक्शन हुआ कितना इस साल, मान लो हमारे देश में प्रोडक्शन हुआ 8 रुपए का, 8 रुपए का प्रोडक्शन हुआ। मान लो एक पेन बन के तैयार हुई है हमारे देश में, अब जो अपनी आरबीआई है वो केवल 8 रुपए ही छापेगी, वो केवल 8 रुपए ही छापेगी। और इस 8 रुपए को छापने के लिए भी उसके पास कुछ मिनिमम रिजर्व होता है, 115 और 115 और 85, 115 करोड़ के, 115 और 85, 200 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए, जिसमें 115 करोड़ के मतलब गोल्ड वोल्ड होने चाहिए और 85 करोड़ मतलब विदेशी मुद्राएं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व। जब हम आरबीआई का मतलब ढांचा पढ़ाएंगे किसी कहानी में, जब आरबीआई का ढांचा पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि पैसे छपते कैसे हैं, ठीक है। पैसे छपते कैसे हैं, ये सारी चीजें होती कैसी हैं। अच्छा क्लास कितने बजे तक रहती है, कितने बजे से? 1 बजे से, 1 तो बज गए हैं, ठीक है। 11:30 से 1, ठीक है। कल से हम टाइम से आ जाएंगे, आज तो 4-5 मिनट लेट भी हो गया, और फिर पता भी नहीं था, हम तो पढ़ रहे थे ऊपर लाइब्रेरी में, तो सर का फोन गया कि आज तो हम आपका सिलेबस बता देते हैं, कहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। ये तो सारी चीजें हम लोगों ने कोर्स ही पढ़ ली अभी तक, ठीक है। अब अभी तक कोर्स की हम लोगों ने पढ़ ली, मतलब अभी तक हम लोगों ने सीखा क्या कि अर्थव्यवस्था क्या, राज्य सरकारों के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार, क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार, ये चीजें सीखी हमने। सीखा प्रोडक्शन क्या, प्रोडक्शन के मतलब साधन क्या क्या हैं, उन साधन पे खर्च होने वाले पैसों को कहते क्या हैं, उनसे जो साधन लागत बहती है, साधन लागत तो साधन लागत है क्या, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है, एमआरपी क्या है, इतनी चीजें हम लोगों ने अभी तक की है। और हमने ये कर ली है कि किसी भी देश में मांग और पूर्ति डिसाइड फैक्टर होते हैं, ठीक है। मांग जो है पढ़ा क्या हमने, तो मांग बढ़ेगी सप्लाई कम होगी तो वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, और फिर अगर मांग कम होगी सप्लाई बढ़ेगी तो वस्तुओं के दाम घटेंगे। मान लो दोनों चीजें बराबर तो अर्थव्यवस्था सैचुरेटेड अवस्था में, ये हो गया आपका रिकेप आज का, ठीक है। और फिर हम आज जान लेते हैं हम अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे क्या, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पादन, उत्पादन तो पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। उत्पादन, उत्पादन से आएंगे हम लोग राष्ट्रीय आय पे, ठीक है। थोड़ी सी फॉन्ट गड़बड़ है मेरा, ठीक है, थोड़ा सी, ठीक है। हम पढ़ेंगे उत्पादन, ठीक है। उत्पादन के बाद पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय को डिसाइड करने वाले कारक पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी देश में राष्ट्रीय आय को क्या क्या फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं अपने राष्ट्रीय आय में आएंगी, कौन कौन सी वस्तुएं अपने राष्ट्रीय आय में नहीं आएंगी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय में मतलब वृद्धि दर क्या होती है, ग्रोथ रेट क्या होती है, ठीक है। आर्थिक विकास क्या होता है, ठीक है, और आर्थिक वृद्धि क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित सूचकांक कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और फिर हाँ
वो सब राष्ट्रीय आय में, हाँ केवल राष्ट्रीय आय में, ठीक है राष्ट्रीय आय में। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे बैंकिंग क्षेत्र पे, फिर उसके बाद आ जाएंगे बीमा क्षेत्र पे, फिर उद्योग क्षेत्र पे, कृषि क्षेत्र पे, फिर बजट पे, फिर इकोनॉमिक सर्वे पे, फिर आपके मतलब भुगतान संतुलन पे, ठीक है फिर आपके निवेश पे। ये सारी चीजें आपकी 15 से 20 या 25 दिन में जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी सवाल मतलब हमने हम लेक्चर को ऐसे डिजाइन करेंगे कि जितने भी सवाल यूपीएससी में या पीसीएस में, ठीक है यूपीएससी में या पीसीएस में अभी तक आए हैं या फिर आने की संभावना, ठीक है उनको बेस बनाकर अपने लेक्चर को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि ना आपका कोई क्वेश्चन छूटे, ना आपका कोई क्वेश्चन छूटे और ना आपको ये लगे हमने इकोनॉमी में कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है आप इकोनॉमी में आज मतलब ये 15 क्लास से पढ़ने के बाद दूसरों को भी इकोनॉमी पढ़ा सकते हैं, ये हम कह रहे हैं। ठीक है इकोनॉमी जो हम पढ़ाएंगे वो हम किताबों से हटकर पढ़ाएंगे, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है किताबों के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, हमने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं। ठीक है हम अपने खुद के नोट्स से पढ़ाएंगे आप लोगों को और उसी नोट को मतलब एकदम सिंपल वे में समझाएंगे, इस तरह से ये समझाया उसी तरह से समझाएंगे कि जब 1945 में क्राइसिस आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उसके बाद भारत में जब जो रिसेशन आया था, मंदी आई थी, उसके बाद राष्ट्रीय आय पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब ड्राइविंग सीट पे होना कौन चाहिए था, हो कौन गया ड्राइविंग सीट पे भूमंडलीकरण के बाद। ठीक है इकोनॉमिक से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी हैं, वर्ल्ड बैंक, IBRD, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे मात्र 20 से 25 दिनों में। ठीक है और सारी मतलब अवधारणाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी, बस आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी आप लोग अगर अपनी संतुष्टि के लिए हमारी भी संतुष्टि के लिए केवल आप एक बुक फॉलो कर लें, वो है लूसेंट। आप लोगों को केवल लूसेंट पढ़नी है, ठीक है केवल लूसेंट, लूसेंट की जो इकोनॉमी के थोड़े से पार्ट आते हैं केवल आपको वही पढ़ने हैं एक्स्ट्रा, और इकोनॉमी का कुछ नहीं पढ़ना, इकोनॉमी की सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है वो भी लूसेंट इस वजह से क्योंकि फैक्ट और फिगर हम कम बताएंगे, फैक्ट और फिगर आपको मैनेज करना है वहाँ से। ठीक है चाहे समितियाँ हो, चाहे आयोग हो, चाहे कुछ, सारी चीज़ें हम आपको क्लास में ही समझा देंगे, क्लास में वो कर देंगे। ठीक है क्लास आज की क्लास यही तक रखते हैं, ठीक है और फिर थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग लगी क्लास, ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स देखो मैंने खुद दो बार इकोनॉमिक्स से मेंस किया UPPCS के और BPSC के और JPSC के, JPSC का तो एक बार इकोनॉमिक्स से दिया है, ठीक है BPSC का एक बार दिया है इकोनॉमिक्स से और एक बार UPPCS का दिया है इकोनॉमिक्स से। ठीक है तो इकोनॉमिक्स से जो हमने मेंस दिया है उसमें हमारे स्कोर कम आते थे, मतलब बता रहे हैं हिंदी मीडियम की वजह से हमारे स्कोर कम आते थे, बहुत आते थे 190 आते थे या फिर 200 आते थे या 220, इससे ज़्यादा अभी तक हमारे इकोनॉमी में नहीं आए। ठीक है इस वजह से हिंदी मीडियम को हम कहेंगे कि वो ना ले, अगर इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है वो लेना चाहता है तो अच्छे से ले ले, अच्छी अच्छी बुकें अवेलेबल हैं, इकोनॉमी में अंक अगर मिलते हैं तो गणित की तरह मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो उससे भी खराब मिलते हैं। हमने उसके बाद शिफ्ट किया PSIR पे, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन पे, उसमें अच्छे नंबर मिले लगभग 240 के आसपास, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार हमने चेंज करके हिंदी साहित्य किया, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं UPSC के लिए। ठीक है और कोई कुछ सवाल पूछना हो किसी को क्लास से संबंधित या हाँ सब लोग रखते हैं। देखो हिंदी मीडियम के लिए दो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें एक हिस्ट्री है तो दूसरा हिंदी साहित्य। ठीक है
दो ही स्कोरिंग अगर यूपीएससी में आपको क्रैक करना है तो ये दो सब्जेक्ट आपको मतलब हेल्प कर सकते हैं अधिक, सबसे ज्यादा हेल्प अगर यही कर सकते हैं। हिंदी में तो हम कुछ पढ़े भी नहीं थे, फिर भी जाके लिख के आए तो 200 नंबर मिल गया। और फिर ये जो हिंदी है ना, इंग्लिश वाले आप तो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लो, अच्छे से उसको पढ़ लो, चाहे पैबैड हो, चाहे आपका दर्शन शास्त्र हो, चाहे आपका पीएसआईआर हो। पीएसआईआर में तो बहुत नंबर मिल रहे हैं इंग्लिश मीडियम से। मानवी की सब्जेक्टों में यही, अगर आप लोगों को चूज करना है, ज्योग्राफी चूज कर सकते हो आप, तो ज्योग्राफी अच्छी है, ज्योग्राफी स्कोरिंग है टीसीएस में भी, उसमें भी, मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, किसी के दबाव में नहीं आना है, कौन सा सब्जेक्ट चुनना है ये आपका खुद का डिसीजन, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, मतलब उसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता हो, ऐसा नहीं कि किताब खोलते ही नींद आ गई सो लिए, ये सारी चीजें नहीं। मतलब सब्जेक्ट ऐसा चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। हर सब्जेक्ट में आप स्कोर कर सकते हो, 100% कर सकते हो अगर आप उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट ना कम स्कोरिंग है ना ज्यादा स्कोरिंग है, सारे सब्जेक्ट उसमें स्कोरिंग है, बस हिंदी और इंग्लिश मीडियम का फर्क हो जाता है। थैंक यू क्लास।